करनाल के अशोकनगर में दुकानदारों से हफ्ता मांगने का मामला सामने आया है। यहां कुछ शरारती तत्वों द्वारा दुकानदारों को तंग कर उनसे हफ्ता मांगते हैं, जिसकी शिकायत करने के लिए अशोकनगर के बड़े संख्या में दुकानदार आज यहां सिटी थाने पहुंचे। अपनी समस्या पुलिस के सामने रखते हुए दुकानदारों ने आरोप लगाया कि कुछ शरारती तत्व उनको आकर धमकाते हैं एवं हफ्ता मांगने की बात कहते हैं। अगर दुकानदार उनके सामने मना करते हैं तो उनके साथ झगड़े की नौबत खड़ी हो जाती है, जिसके चलते आज वह सिटी थाना में अपनी शिकायत लेकर आए हैं, परंतु पुलिस द्वारा इस मामले में दिलचस्पी ना लेते हुए दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस मौके पर बड़ी संख्या में अशोकनगर के दुकानदार मौजूद रहे। मैं कंप्लेंट मांगी रिकवरी कराए, हजार रुपए महीना मांगा है, साहिल है, हजार रुपए महीना मांग रहे। हमने कहा भी आ जा तेरे में मतों के ले ले, हमारे मौके लेके जाए, ये हमारे उसके पास आज आप जान देने आएंगे। पुलिस क्या करती है? पुलिस कह रही है अभी उन्हें बयान ले लिए, अभी वे अरेस्ट किए नहीं ना, वो अभी धमकाने फिर रहे हैं। तो आपको धमकी दी उन्होंने? धमकी तो सभी को दे रहे, मेरे को भी दे रहे, सबको दे रहे। नहीं चलो तुम दो बयान, हम देखेंगे कैसे करो। कौन से एरिया की बात है ये? अशोक नगर मेरठ, इसकी शिवपुरी रोड। क्या नाम आपका? ईश्वर सिंह। क्या काम करते हैं आप? ये रिपेयरिंग की दुकान है जी, चूल्हे बत्ती वगैरह। पैसे खो गया, रोटी मांगते हैं। ये अशोक नगर के दुकानदार हैं, कॉलोनी वासी हैं, वाल्मीकि समाज से जुड़े कुछ कुंडा तत्व लड़के हैं, जिनका पेशा है इन दुकानदारों से हफ्ता वसूली लेना। जिन्होंने नहीं दी उनके साथ मारपीट की जाती है, जिनके साथ मारपीट की वो यहाँ न्याय मांगने के लिए आए। न्याय मांगने वालों के साथ ऐसे बर्ताव हो रहा है जैसे कि ये क्रिमिनल है, और इनको न्याय तब मिलेगा जब ये अपना रिटर्न में बयान दे रहे हैं। उनको फिर कहा जा रहा है कि तू ये बदलो वो बदलो, रिटर्न में बयान दे दिए सारे दुकान, ये सारा समाज आया हुआ, सभी दुकानदार पीड़ित हैं, इनके साथ भी हुई है। हजार रुपये मांगा गया था और उन गले में हाथ मारने लगे, और जब मैंने कहा पैसे नहीं, पैसे थे नहीं, और एकदम पीछे लगे। हाँ जी, क्या करना है? ये हफ्ता मांग रहे हैं वहाँ पर जी। कौन लोग? ये चार लड़के हैं, चार पांच लड़के हैं दुकानदारों से। नाम बताओ ना। चिट्टा, साहिल, ऋतिक और तो आज यहाँ किससे मिलने आए? यहाँ दरखास्त देने के लिए आए थे जी हम, हमारे दुकान पे तोड़ फोड़ करी है और लोग कसोट करी है, सारी मार्केट वाले इकट्ठे हो रहे जी। हाँ जी, गुंडागर्दी मचा रखी है, बहुत बुरा हाल हो रहा है वहाँ पे। हर एक दुकान से हजार हजार रुपये अब तब सुल्ली करते हैं, नहीं देते तो मारते हैं, उनको पीटते हैं। यहाँ पे थाने में भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, यहाँ पे तीन दिनों से चक्कर काट रहे हैं, ना उनको पकड़ा जा रहा है ना कुछ, सारे ऐसे ही ओपन घूम रहे हैं वहाँ पे, ना यहाँ से पुलिस जा रही है, फोन करते हैं तो भेज रहे हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।